परेशानी कोई भी हो, शिकायत कोई भी हो, आम जनता के दिमाग में यही आता कि सीधे पुलिस स्टेशन जाना है। अगर वहीं पर जनता के साथ अभद्र भाषा का प्रयोग किया जाए, अभद्र व्यवहार हो, तो खुद सोचिए क्या जनता का विश्वास जो जम्मू कश्मीर पुलिस पर है वो रह पाएगा। नमस्कार, आप जुड़ चुके हैं दैनिक शिव टाइम से, मैं रश्मि शर्मा कैमरामैन शुभम भगत के साथ। इस समय हम गांधीनगर पुलिस स्टेशन के बाहर हैं। शुक्रवार से लगातार एक खबर सोशल मीडिया के माध्यम से आ रही है, एक महिला पूजा शर्मा जिनका नाम है वो मेरे साथ है इस समय। अभी तक वो चक्कर लगा रही है पुलिस स्टेशन के, हस्बैंड इनके अंदर हैं, क्योंकि चाहे कोई भी बात हो, किसी तरह की भी परेशानी हो, लड़ाई झगड़ा हो, हमारा सवाल वही रहता है कि आम जनता एक महिला के साथ पुलिस का या आम जनता के साथ पुलिस का व्यवहार इस तरह का क्यों। खाकी को बदनाम मत कीजिए, कैप्शन भी हमने डाला। आइए चलिए जानते पूजा जी से कि आज लगातार चार दिन से, शुक्रवार, शनिवार, इतवार, आज चौथा दिन है, लगातार ये पुलिस स्टेशन के चक्कर लगा रही हैं, आखिर हुआ क्या था वो भी पूरी वारदात सुनाएंगे। पूजा जी, आज आप चार दिन से, क्योंकि हमने उसी दिन आना था पर कहीं ना कहीं हमें भी ठंड लग गई थी, बीमार थे, उस कारण नहीं आ पाए, पर आज हमने भी जरूरी समझा कि आपकी बात को सामने, एग्जैक्टली क्या हुआ था वही बताइए पूरी बात। मैम, एक्चुअली चार दिन पहले ये लोग मेरे घर आते हैं रात को और हस्बैंड को अरेस्ट करने की बात करते हैं। उनको 102 फीवर था उस टाइम पे। मैंने इनको बोला कि मैं मॉर्निंग में इनको लेके आती हूँ, आपके पास कोई अरेस्ट वारंट है कुछ है तो आप दिखाओ। तो इन्होंने उनके साथ ज़बरदस्ती करनी शुरू करी, मेरे को भी धक्का वगैरह दिया कि कहते हैं कि आप, हम अभी लेके जाएंगे इनको। तो मैंने कहा आप अरेस्ट वारंट दिखाओ। इस धक्का मुक्की में मेरे कपड़े भी पकड़ा, जैसे इन्होंने हमें अलग अलग करने लगे। कोई महिला पुलिस अधिकारी नहीं, कोई महिला पुलिस अधिकारी नहीं थी, साथ में चार पुलिस वाले ही थे, जिसमें से एक ये अमृतुल्ला जी SI थे, बस मैं इनको जानती थी, तो अदरवाइज मैं और किसी को नहीं जानती थी। आपने कहा कि अरेस्ट वारंट कोई, हाँ मैंने कहा आप अरेस्ट वारंट या कोई कंप्लेन कुछ भी है तो आप मुझे दिखाओ, नहीं तो मॉर्निंग में थाने आते हैं। तो इनके पास कोई अरेस्ट वारंट नहीं था, इन्होंने कहा मैं अभी जाता हूँ और मैं लेके आता हूँ। तो बाहर जो इनका फ्रेंड था जिसने कंप्लेंट करी है वो इनके साथ आया हुआ था एक्चुअली रात को 11 बजे। तो ये लोग उसके पास गए, उससे कुछ इन्होंने डिस्कस करा और ये जब अंदर आए तो उन्होंने कहा ठीक है कल इन्हें मॉर्निंग में लेके आ जाना 11 बजे तक। मैं 12 बजे जब थाने में आई तो उन्होंने मुझे फिर एकदम धक्का दिया SI ने और इनको, मेरे हस्बैंड को अंदर बंद कर दिया, इनके ऊपर केस लगा दिया चोरी का झूठा इल्ज़ाम, जबकि आपसी फ्रेंड्स का डिस्प्यूट है। उसने ये इल्ज़ाम लगाया है कि इन्होंने गाड़ी छीनी है, जबकि वो खुद जो है ना क्या कहते हैं गाड़ी रखवा के गया था कि भाई इसको सेल करके हम आपस में अपना 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 अमाउंट ले लेंगे। अदरवाइज इन लोगों ने केस बना दिया झूठा मेरे हस्बैंड के ऊपर और अभी तक हम लगातार चार दिन से धक्के खा रहे हैं। सैटरडे को उन्होंने बोला था कि हमने बेल के लिए जो वो होते हैं पेपर्स होते हैं वो जज को दे दिए हैं, अदरवाइज इन्होंने कोई भी रिपोर्ट अभी तक नहीं दी है। और अभी मैं अपने वकील से मैंने बात करी है तो वकील ने मुझे बताया, वो जज साहब के पास गया, कि यहाँ से कोई भी रिपोर्ट नहीं आई है। तो अगर रिपोर्ट ही ये लोग नहीं भेजेंगे तो उनको तो बेल भी नहीं मिल पाएगी, इसका मतलब तो ये जान पूछ के ऐसा कर रहे हैं ना, हमें परेशान कर रहे हैं। ऐसे करने का क्या कारण, हम ये नहीं कहते कि आपका क्या डिस्प्यूट था, आपके हस्बैंड के खिलाफ क्या कंप्लेंट थी, इस पर हम फोकस नहीं करेंगे क्योंकि आपका आपसी मामला है। फोकस इस पर करेंगे कि अगर आपके घर में पुलिस जाती है, अरेस्ट वारंट नहीं आपको दिखाए जाते, आप मांगते हैं, उसके बाद आपके साथ अभद्र व्यवहार किया जाता है, आप कपड़े बता सकते हैं जो कपड़े आपके फटे हैं, वो भी चाहेंगे। वो ये देखिए सूट था मेरा, मैंने पहन रखा, यानी जनता जिस पर विश्वास करती है तो किस तरह से क्या जनता विश्वास कर पाएगी। बार बार हम यही कहते हैं, कोई दोहराए नहीं, जम्मू कश्मीर पुलिस अच्छा कार्य भी कर रही है, पर वहीं दूसरी तरफ जब इस तरह की चीजें सामने आती है तो खुद सोचिए आम जनता का विश्वास किस कदर डगमगाता है, बताइए मैम। ये देखिए ये सूट भी फाड़ दिया था इन्होंने, ये जो कपड़े है ये खुद तो कोई फाड़ेगा नहीं, यानी कि इन्होंने कहा कि ये जिस समय ये पुलिस कर्मी अंदर आए इसके हस्बैंड को जबरदस्ती जबरन लेने लगे तो इनके कपड़े भी फट गए। इस तरह का व्यवहार करने का क्या मतलब, हम इसी पर गौर करेंगे। पुलिस जनता की सुरक्षा के लिए, जनता की रक्षा के लिए होते हैं और खास करके महिलाओं के मान सम्मान के लिए हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी बड़ी बड़ी स्कीम्स भी निकाल रहे हैं, उनके लिए कानून भी बनाए गए हैं, पर वही दूसरी तरफ इस तरह का व्यवहार ये महिला उस दिन के बाद चार दिन से लगातार हम भी मीडिया के माध्यम से देख रहे हैं इस कड़कती ठंड में। उस दिन भी रात को 11 बजे हमारे एक सहयोगी ने यहाँ पर आकर वो रिपोर्ट की थी, तब भी ये मैडम यहीं बैठी थी।
यानी कि चल क्या रहा है, समझ नहीं आ रही किस तरह से आप लोग काम कर रहे हैं, क्यों बदनाम कर रहे हैं खाकी को। तो फिर उसके बाद मैम अब क्या, अब फिर से आप आइए। अब मैं अभी आई हूँ, अभी अभी मेरे को बस जस्ट अभी अभी मेरे वकील ने मुझे बताया कि इन लोगों ने रिपोर्ट भी नहीं भेजी है। अगर इन्होंने आज रिपोर्ट नहीं भेजी और आज ये नहीं निकले तो मैं आज यहाँ से नहीं जाऊंगी जी, मैं आज भी यही रहूंगी। आपने कहा आपके हस्बैंड को 102 बुखार था। हाँ 102 बुखार था, कोई उनका अभी टेस्ट भी नहीं हुआ था। अगर अंदर उनको कुछ हो जाता है तो कौन इसकी जिम्मेवारी लेगा जी, ना उनसे किसी को मिलने दे रहे हैं ढंग से। हुई आपकी उनसे? हाँ मैं कल गई हूँ उनसे जब से वो अंदर है, पर जिस दिन उनको अरेस्ट करा था उस दिन रात को 11 बजे SHO सर आए थे, उन्होंने मुझे उनसे मिलवाया था, अदरवाइज उसके अलावा मेरे को मिलने नहीं दिया गया। फोन पे बात हुई थी आपकी? फोन पे कोई बात नहीं हुई मेरी। फोन पे भी बात नहीं? नहीं इस समय अंदर का आपने पूछा उनकी हेल्थ कैसी है? हेल्थ वगैरह के बारे में मैं कल भी गई थी खाना देने, आज भी अभी खाना लेके ही आई हूँ, तो जाने तो मुझे दिया है खाना देने के लिए, अदरवाइज हेल्थ भी उनकी ठीक है, बट कम से कम उनका टेस्ट तो कराना चाहिए था, या फिर उनको कुछ तो मतलब कि वो करना चाहिए कि एक आम आदमी के साथ जो इतने दूर से आया हुआ है यहाँ पे, यहाँ के हम, यहाँ की तो मैं हूँ भी नहीं, यहाँ पे कोई भी नहीं है ऐसे कि सपोर्ट करे। एक मीडिया ही है जो थोड़ा बहुत मेरी सुन रही है, अदरवाइज पुलिस वाले तो बात तक नहीं कर रहे। बात क्यों करे कि किसी के प्रेशर में इस तरह पता के खिलाफ कोई कम्प्लेन, चलिए कम्प्लेन भी है मानते हैं, अगर कम्प्लेन भी है पर आपके साथ इस तरह का व्यवहार करना। मैम एक्चुअली ना पैसे खिला दूंगी अगर मैं अभी तो फिर तो रिपोर्ट भी पहुंच जाएगी, सारे काम हो जाएंगे। मैम हर कोई ये बात जानता है, पैसा ही चलता है हर जगह। अब मेरे पास इतना पैसा है नहीं कि मैं ये इनके को दे सकूं, बस यही एक रीज़न है कि मेरे पास पैसे नहीं है और ये लोग पैसे चाहते हैं कि पैसे मिलेंगे तो आगे कोई काम होगा, अदरवाइज कोई काम नहीं होगा। अगर आज भी नहीं रिपोर्ट, आपने बात की यहाँ के जो अधिकारी? नहीं अभी मैंने अधिकारी से बात नहीं करी, अभी मैं जा रही हूँ अंदर खाना देने और फिर उसके बाद मैं देखती हूँ, अगर इन्होंने आज भी रिपोर्ट नहीं भेजी तो मैं आज यहाँ से नहीं जाऊँगी जी। मैं अपने बच्चे भी ले आऊँगी, अभी मेरे बच्चे भी यहीं रहेंगे क्योंकि मैं उनको अकेला नहीं छोड़ सकती, 10 साल की लड़की है। तो भी आप छोटे छोटे बच्चों को लेकर? हाँ 8 साल का बेटा है, 10 साल की लड़की है, मेरे घर की जो इस टाइम कंडीशन है वो कोई नहीं समझ सकता। मैं खाना सुबह बना के आती हूँ, मेरे बच्चे खुद सारा काम कर रहे हैं, वो छोटी सी 10 साल की लड़की रोटी बना के खा रही है, ये लोग इस चीज़ को नहीं समझ सकते। अब रोइए मत मैम, अब रोइए मत। आप देख रहे हैं पूजा शर्मा जी जो लगातार 4 दिन से यहाँ पर आ रही हैं, क्या हुआ अक्सी कोई विवाद होगा, पर उसके बाद भी बाद क्या विवाद था क्या, उस पर हम जाना नहीं चाहेंगे ना उस चीज़ को हम, क्योंकि आपसी दोस्तों यारों की आपस में लेन देन की कोई बात होगी। सवाल ये है क्या पुलिस के द्वारा पूजा जी के साथ जिस तरह का व्यवहार किया गया क्या वो सही था? आज ये कल इनकी जगह कोई और भी हो सकता है, और सबसे बड़ी बात ये कहेंगे आला अधिकारियों से, अपने DGP जम्मू से, अपने IGP जम्मू से, SSP जम्मू से, जनता का विश्वास है जम्मू कश्मीर पुलिस पर, और जब इस तरह की चीज़ें सामने आती हैं तो विश्वास टूटता जा रहा है। इंसान के घर जब भी कोई परेशानी आती पुलिस का दरवाज़ा खटखटाते हैं, और जब अगर किसी की कंप्लेन भी हो आप किसी के घर में भी जाते हैं उसका भी एक तरीका होता है, अगर वाकई उनके परिवार में आप जा रहे हैं तो महिला पुलिस कर्मी को साथ ले जाते ना, इस तरह से उनके कपड़े फाड़े हैं, धक्का मुक्की हुई है, उसके बाद यहाँ पर आए 4 दिन से महिला ये खड़ी है, 4 दिन से यहाँ पर ठंड में इस कोविड की मार में बच्चों को लेकर बैठी है, ये कहाँ तक सही है? क्यों नहीं अभी तक रिपोर्ट पेश की गई? जिस तरह से पूजा जी ने कहा कि आज मैं अगर पैसे दे दूंगी तो मेरा काम हो जाएगा, यानी कि वही बात आ गई कि घूसखोरी, यानी आज पूजा जी पैसे देंगी तो इनके हक में हो जाएगा, कोई दूसरी पार्टी कंप्लेनेंट अगर पैसे देंगे तो वो हावी हो जाएंगे, इस तरह आखिर कब तक चलता रहेगा? इन चीज़ों पर अंकुश लगाना बहुत ही अनिवार्य है, क्योंकि इस तरह की चीज़ें पूरे पुलिस डिपार्टमेंट पर बहुत बड़ा सवालिया निशान खड़ा कर देते हैं, और इस तरह की चीज़ें सामने लाना हमारा कर्तव्य है, हमारी ड्यूटी है। जहाँ पुलिस अधिकारी अच्छा काम करते हैं वहाँ हम सराहना भी करते हैं, और जनता के द्वारा उनकी पीठ, उनके आला अधिकारियों द्वारा उनकी पीठ भी थपथपाई जाती है, पर जब इस तरह की चीज़ें आती है सामने वो भी कहीं ना कहीं जनता और आला अधिकारियों तक लाना हमारी कहीं ना कहीं ड्यूटी है, हमारा कर्तव्य है। और इस समय हमने आपको लाइव दृश्य बताए, अपने कमेंट जरूर कमेंट बॉक्स में दीजिए और इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए, क्योंकि ये महिला का आरोप है कि पुलिस अधिकारी उनके घर जाते हैं, उनके साथ हाथापाई करते हैं। अगर वाकई आप किसी के घर में किसी को अरेस्ट करने या किसी तरह से भी जाते हैं तो अरेस्ट वारंट जरूर साथ रखिए, अगर नहीं भी रखते चलिए, पर यह बात है कि अगर परिवार में आप जा रहे हैं तो महिला कर्मी कहाँ थी आपकी, पुलिसकर्मी, महिला पुलिसकर्मी क्यों नहीं लेकर गए? क्योंकि अगर किसी के परिवार में जाएंगे तो जाहिर सी बात है माँ भी होगी, बहन भी होगी, पत्नी भी होगी,
तो इस तरह का व्यवहार फिर से कहेंगे बहुत बड़ा सवालिया निशान है। अब देखना यह है कि पूजा जी को पति को जो रिपोर्ट है, उन्होंने कहा कि अगर आज सबमिट नहीं की जाती तो ये बच्चे लेकर यहीं पर आ जाएंगी। आखिर क्यों विलंब किया जा रहा है? क्या वाकई पुलिस पर किसी तरह का दबाव है जो अभी तक 4 दिन से रिपोर्ट पेश नहीं की गई? इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, अपने कमेंट अपने सुझाव जरूर हमें दीजिए। जुड़े रहिए हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।